नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, ये जो है आपका गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका निकाला गया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो है आपका निकाला गया हुआ है कार्यकारी प्रशिक्षुओं का, तो जिसमें कि 2024 की जो आपका मतलब वैकेंसी है, लेकिन जो गेट आपका 2022, 23, 24 ये सभी जो है आपके वैलिड रहेंगे। ये जो जो आपने किया होगा मतलब ये एग्जाम जो लिखा होगा आपने इनमें से, तो वो सभी आपके वैलिड रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के, तो ये जो है आपका 30/4/2024 तक का है। तो आप लोग इसको जो है 30 अप्रैल तक इसको अप्लाई आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी देखिए, इसमें गेट 22, 23, 24, तो ये सब जो है आपके स्कोर कार्ड जो रहे होंगे वो सभी वैलिड है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 24 का ही वैलिड है आपका यहाँ पे, वो 3 साल का आपका है 22, 23, 24 का। और लास्ट डेट इसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं आपका जैसे कि वैकेंसी की, तो इसमें देखिए टोटल जो है आपका यहाँ पे जो है 400 वैकेंसी आपकी ये निकाली गई है। तो इसमें से आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैकेनिकल वालों के लिए जो है आपका टोटल 150 है आपका, केमिकल वालों का 73 है, इलेक्ट्रिकल वालों का 69 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 29 है, और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है आपका 19 है, और सिविल वालों का यहाँ पे 60 है। तो टोटल आपका यहाँ पे 400 निकाली गई है। इसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, यहाँ पे जो है पूरा आपका ये टोटल दिया हुआ है इसके अंदर में। और बाकी देखिए, यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच जैसे कि इसमें एलिजिबल रहेंगे, तो ये सब पूरा दिया हुआ है। मतलब कि जैसे मैकेनिकल में तो कॉम्बिनेशन में आपका क्या क्या होने चाहिए, तो ये सब आपको पूरा दिया हुआ है इसके अंदर में। तो यहाँ पे जो है पूरा डिटेल आपको इसमें देखिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपका इसमें पूरा डिटेल में आपका ये सारा चीज़ ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, ऊपर में आपका हिंदी में था, नीचे आप लोग इंग्लिश में भी इसका पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको हम यहाँ पे बताते हैं सारा चीज़। तो देखिए, इसमें जैसे कि ब्रांचेस जो आपके थे इसमें, तो वो आपका जैसे कि जो ब्रांचेस है, तो ऑलरेडी हमने आपको बता दी कौन कौन एलिजिबल है। आप डेट यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि आपका 10/4 जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ये चालू हो जाएगा, 30/4/2024 तक आपका जो है लास्ट डेट इसमें रहेगा। और पेमेंट भी आप लोग 10/4 से लेकर 30/4 तक आप लोग इसको कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपका देखिए 500 रुपीज़ ये रखी गई है। तो ये देखिए केवल मेल कैंडिडेट के लिए है जो जनरल और EWS और OBC से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है और जो ST SC कैंडिडेट है, तो इनको देखिए यहाँ पे जो है एग्जेम्प्टेड किया गया एप्लीकेशन फ़ीस है, आपको पे जो है नहीं करनी है। जो कैंडिडेट मतलब कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में से फीमेल को नहीं करनी है। और बाकी देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो वही आपका BBTech जो है आपका या फिर BSc इंजीनियरिंग का आपका होना चाहिए। मतलब कि उसमें जो है आपके ये कम्बिनेशन में आपका होना चाहिए, और गेट का स्कोर कार्ड 22, 23, 24 ये सब वैलिड है आपके। आप यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन में आपका क्या क्या होने चाहिए, तो ये सारा डिटेल में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी में जो है आपका जैसे कि आपका एक गेट का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, मतलब गेट का एग्जाम उसी कैटेगरी में ही आपका दिया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, एज की बात करते हैं, तो जनरल EWS के लिए जो है आपका अपर एज लिमिट इसमें 26 ईयर रखी गई है। OBC के लिए जो है आपका 3 ईयर्स का दिया था, तो यहाँ पे 29 है आपका। और ST SC के लिए 31 ईयर्स रखी गई है। तो यहाँ पे जो है आपका एज लिमिट ये दिया गया है आपका यहाँ पे, और डेट भी दिया हुआ है कि बॉर्न ऑन या फिर उसके बाद आपका 30/4/98 जनरल के लिए आपका है, और 30/4/95 OBC, और 30/4/1993 ये जो है आपका ये जो ST SC के लिए दिया हुआ है। तो ये सारा ये डेट भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और ये सीन्स जो है आपका ये गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे है आपका यहाँ पे, तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग है जो है आपका इसमें होगा। और स्टाइपेंड भी कितना मिलेगा, तो ये सब भी जो है इसमें दिए गए। अलाउंसेस आपको क्या क्या रहेंगे यहाँ पे आपको, तो ये सभी चीज़ जो है आपको इसके अंदर में दिया हुआ है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसके साथ में आपके क्या क्या रह सकते हैं इसके अंदर में। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका देखिए इसमें यही है आपका, कि ये जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा। मतलब गेट का स्कोर कार्ड तो रहेगा ही आपका, फिर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे तो उसको देखिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपका। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का आपका जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे आपका 2024 की, तो ये जो है आपका मेरिट आपका ड्रॉन किया जाएगा आपका गेट 22, 23, 24 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका यहाँ पर ये। और इसके बाद देखिए 1:12 का रेशियो आपका रहेगा इसके अंदर में बुलाने का यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है आपको पूरा कम्प्लीटली दिया हुआ है इसके अंदर में, आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनली परफॉर्मेंस जो आपका रहेगा यहाँ पे, तो जो आपका इंटरव्यू में रहेगा यहाँ पे मेनली देखिए ये किया हुआ इन्होंने। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका ये
परफॉर्मेंस जो रहेगा पर्सनल इंटरव्यू में आपका, उसी पे आपका जो है ये किया जाएगा यहाँ पे। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि आपका कोई भी वेटेज जो है गेट का नहीं रहेगा ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन आपका केवल जो है परफॉर्मेंस जो रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू में, उसी के बेसिस पे जो आपका ये किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, और क्वालिफाइंग मार्क देखिए जो दिया हुआ है आपका इंटरव्यू के लिए कि आपको इतना तो लाना ही होगा, 70% और रिजर्व के लिए, और EWS ST SC OBC के लिए 60% का यहाँ पे रखा गया हुआ है। तो आप जहाँ देख सकते हो कि जो गेट का स्कोर कार्ड है वो आपका केवल जो है एक मतलब कि एक स्टेज है आपका, उसमें से स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन मेन जो सिलेक्शन आपका होगा तो वो है आपका इंटरव्यू के बेसिस पे, जो कि इन्होंने क्लियरली मेंशन करके आपका दिया हुआ है। तो ये सब देखिए पूरा दिया हुआ है इसके अंदर में, आप पूरा देख सकते हो यहाँ पे, और भी जो चीज़ है क्या क्या जरूरी है, तो ये सब इसमें मेंशन किया गया है, आप लोग इस सबको देख लेना है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ देखिए मेंशन किया गया है, जो भी डिटेल्स आगे रहेगा तो इसके रिगार्डिंग जो आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये जो है आपका ये 30/4/2024 तक फॉर्म आपका भरेगा, और 10 आपका ऑलरेडी स्टार्ट आपका ये हो चुका है। तो और भी कोई डाउट आपका रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।